उज्जैन लोकायुक्त ने इन दिनों आचार संहिता के दौरान मंदसौर में दूसरी बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मंदसौर के जिला हथकरघा विभाग में पदस्थ विस्तार अधिकारी को 12,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक मंदसौर के ग्राम सेमली निवासी आसिफ ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5.5 लाख का लोन लिया था, जिसकी अनुदान राशि करीब 1.5 लाख रुपए थी। आरोपी अधिकारी ने यह राशि रिलीज करने के नाम पर फरियादी आसिफ से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। आखिर में 12,000 रुपए में मामला तय हुआ। पीड़ित आसिफ रिश्वत से परेशान था, लिहाजा उसने लोकायुक्त उज्जैन में मामले की शिकायत की, जिसकी छानबीन के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामला दर्ज कर आज आरोपी ग्रामीण विस्तार अधिकारी जगदीश शर्मा को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ पिता वली मोहम्मद जी, बताइए काय के पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं और आपने किस तरह की शिकायत की थी और किन बातों को लेकर आपने लोन लिया जी? मैंने ये हथकरघा कार्यालय से लोन करवाया था, सब ये अपने तरापा कोटेशन का, तो इसमें 1,59,000 का अनुदान था, तो उसको पास अनुदान को पास करने के लिए इन्होंने मेरे से सर ने रिश्वत मांगी थी 12,000 रुपये। तो मैंने उसकी मांग पूरी की और मैंने उस बात को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई, तो वहाँ से मुझे सहायता मिली। हाँ। बहुत अच्छी तरीके से। किस बात को लेकर लोन लेना चाहते थे आप? जी मैं ये मजदूरी करने के लिए, बस तरापा के सेंटिंग छत भर के ने मजदूरी करते थे, तो उसमें भी ये लोग ऐसे रिश्वत मांग रहे थे, तो अब मैं क्या मजदूर, गरीब आदमी हूँ मैं। हाँ। तो कौन से अधिकारी थे, क्या कहकर आपसे मतलब पैसे की डिमांड? जी ये जगदीश जी शर्मा थे, इन्होंने 3 महीने तो ये अनुदान के चक्कर दे रहे थे मेरे को, और कम से कम मेरे 5 महीने बैग में फाइल पड़े पड़े हो गए, तो 8 महीने हो गए मेरे इस लोन को लेकर। अच्छा, कितना लोन पास हुआ था आपका? ये 533 का है और इसमें 1,59,000 का अनुदान। कौन सी योजना के तौर पर आपको लोन लिया? ये माँ अपने पढ़ाई के ऊपर निकलाया था। अच्छा, जी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बोलते हैं इसीलिए। कौन सा ऑफिस में? ये यहीं पे हथकरघा कार्यालय जिला। आपका क्या नाम है? कितने रुपए मतलब पूरे तौर पे मांगे गए थे आपसे? 15,000 मेरे से पूरे तौर पे मांगे गए थे और मैंने 12,000 में इनकी डिमांड की बात हाँ कर ली थी। मैंने कहा मैं 12,000 की व्यवस्था करके लाता हूँ। तो कब शिकायत की लोकायुक्त में आपने? जी ये मैंने 19 तारीख को वहाँ पर शिकायत की थी। हाँ। तो 20 तारीख को फिर मैं यहाँ आया था और यहाँ से इनकी भाई जो रिकॉर्ड होती है वो रिकॉर्ड करके मैं वहाँ ले गया, फिर वहाँ से आज 26 दिनांक को वापस वहाँ से इन सब अफसर लोगों ने सब ने मेरी सहायता की और सब ने जी। मेरा नाम आसिफ है। शिकायत की थी और किस बातों को लेकर रिश्वत मांगी जा रही थी? देखिए हथकरघा डिपार्टमेंट के जो ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी हैं जगदीश शर्मा, इनके द्वारा ग्राम सेमनी के आवेदक आसिफ अली आरिफ अली से सेंटिंग जो तरापा का अनुदान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलता है उसे जारी करने के लिए ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी जगदीश शर्मा द्वारा आवेदक से 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। बातचीत के दौरान हमने इस बात को गोपनीय रूप से अपने रिकॉर्ड कराकर गोपनीय रूप से रिकॉर्ड कराया। रिकॉर्ड में जो है जब पैसे की स्पष्ट रूप से मांग आई तो आज जब इनकी बातचीत 12,000 रुपये देने पर तय हुआ तो आज हमने आवेदक को 12,000 रुपये लेकर इनके कार्यालय में भेजा, तो जैसे ही आवेदक ने 12,000 रुपये रिश्वत के रूप में जगदीश शर्मा को दिए तो हमारी टीम जो इस कार्यालय के बाहर तैनात थी और आवेदक के इशारा करने पर तत्काल हमने उसको रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाए। कितने कितने के रुपए के नोट दिए? 500 के नोट थे, 24 नोट थे, 12,000 वो उनसे जब्त किए गए। मैं DSP लोकायुक्त वेदांत शर्मा।